यस डियर स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करना है आगे, बट अभी अभी ताज़ा ताज़ा गरम गरम खबर मेरे को मिला है कि ये जो टॉपिक है, ये जो बच्चे 2021 में एग्ज़ाम देंगे, ये एक्सक्लूड किया गया है। तो फिलहाल के लिए मैं भी रिकॉर्डिंग से एक्सक्लूड कर रहा हूँ, बट जब नेक्स्ट ईयर ये टॉपिक इंक्लूड होगा तो ये लेक्चर मैं अलग से बना दूंगा इस टॉपिक पे। तो फिलहाल 2021 के स्टूडेंट्स को ध्यान रखते हुए आगे मैं बढ़ रहा हूँ, और मैं स्पेशल मेंशन लेना चाहता हूँ, एक मेरा प्यारा सा स्टूडेंट है हामिद, हेरिटेज स्कूल कैलकटा का है। हामिद, थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग मी अपडेटेड। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेट बैंकिंग से। इंटरनेट बैंकिंग, सो इंटरनेट क्या है ये तो समझाने की दरकार नहीं है, और इंटरनेट के माध्यम से अगर हम बैंकिंग का ट्रांजैक्शन करें तो उसे कहते हैं इंटरनेट बैंकिंग। तो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत 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 ज़्यादा इजी है, ठीक है। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो इंटरनेट के माध्यम से होता है, थ्रू द इंटरनेट, इज कॉल्ड इंटरनेट बैंकिंग। अब एक बात बताइए, इंटरनेट बैंकिंग से क्या फ़ायदा? आपको ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा, मोबाइल पे बैठे बैठे आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप पैसे, देखो बैंकिंग में करना क्या होता है, पहले ये समझो कि बैंकिंग में करना क्या है। या तो पैसे देना है या तो पैसे लेना है, राइट। कैश में क्या होता है भाई, इंसान आपको खोजा, आपको देखा और आपको कैश पकड़ा दिया। बैंकिंग में क्या होता है भाई, बैंक के अकाउंट में आपका पैसा आ गया। अब आपके अकाउंट में पैसा अगर आ जाए और आपके पास एटीएम कार्ड हो, तो एटीएम आप मेरे ख्याल से जानते हैं, एटीएम मशीन्स आप देख चुके होंगे अभी तक। एटीएम मशीन में जाइए, अपना कार्ड जिसे हम डेबिट कार्ड कहते हैं उसे इंसर्ट करिए, अपना पीआईएन, पीआईएन इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन डालिए, 4 डिजिट का पिन होता है, उसको डालिए और एटीएम से पैसे निकाल लीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने एटीएम से पैसे नहीं निकाले हैं तो अपने मम्मी या पापा का कार्ड लेना और एक बार एटीएम से पैसे ज़रूर निकालना, ज़्यादा नहीं 100 रुपया निकालना, बट निकालना ज़रूर। हमारे देश में थ्योरेटिकल पढ़ाई बहुत होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को बहुत कम रहता है, इससे बहुत दिक्कत होती है। तो प्लीज़ मेरे कहने से एटीएम से जाके पैसे ज़रूर निकालना। तो इंटरनेट बैंकिंग का सीधा सीधी मतलब है आपका एक बैंक अकाउंट है। आप इमेजिन करो, आईसीआईसीआई बैंक में या एसबीआई में कहीं पर भी जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हो। बैंक अकाउंट खुलवा दिया आपने, अब आईसीआईसीआई के जितने भी ब्रांचेस हैं, क्योंकि आजकल होता है कोर बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि बैंकिंग रिकॉर्ड्स आपके पूरे एकदम मेन सर्वर से कनेक्टेड है। अब आप आईसीआईसीआई के कोई भी ब्रांच में जाके पैसे डालो, आपके अकाउंट में वो पैसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि अगर आपने एक पर्टिकुलर ब्रांच में अकाउंट खोला है, वो आपके घर से बहुत दूर है, अब आपको उसी ब्रांच में जाना पड़ेगा। पहले के ज़माने में जिस ब्रांच में आपका खाता था उसी ब्रांच में जाना पड़ेगा। धीरे 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 जैसे जैसे ज़माना बदला, टेक्नोलॉजी बढ़ा, सुविधाएं बढ़ी, तो बाद में ऐसा हुआ कि देखो भाई, आईसीआईसीआई बैंक या कोई भी बैंक के किसी भी ब्रांच में आप पैसे डाल दो। अब आप मुंबई में हो और आपको पैसे डालने हैं तो कैलकटा आओगे फिर डालोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। मुंबई में आईसीआईसीआई ब्रांच में गए, अपना अकाउंट नंबर दिया और पैसे जमा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये तो था ब्रांच 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 ब्रांच। तो पहले था होम ब्रांच में, जिस ब्रांच में आपने खाता खोला उसी ब्रांच में जाके ट्रांजैक्शन करना। बाद में आया कि चलो ठीक है भाई, इस बैंक में अगर आपने खाता खोल दिया, बैंक में अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर हो तो आप आईसीआईसीआई ऑल ओवर इंडिया जहां पर भी जाना है आप बैंकिंग कर सकते हो। उसके बाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि भैया इंटरनेट बैंकिंग आ गया, बोला यार अब तुम जहां बैठे हो वही तुम्हारे लिए बैंक है, वही ब्रांच है। हम आपको लॉगिन आईडी दे देंगे, पासवर्ड दे देंगे और आप बस वहीं से बैठे बैठे ट्रांजैक्शन करिए। ट्रांजैक्शन में क्या है, पैसा लीजिए या पैसा दीजिए, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो भाई, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, समय बचेगा, पैसा बचेगा। पैसा कैसे बचेगा, बैंक जो विजिट करने में जो पेट्रोल लगता था, या पैदल जाते थे, या रिक्शा में जाते थे, या ऑटो में जाते थे, जैसे भी जाते थे, और वहाँ लाइन भी लगाना पड़ता था। अब कहीं लाइन नहीं लगाना, जस्ट बैठो और काम करो। सो इंटरनेट बैंकिंग जो है वो अपने घर या ऑफिस से आप कर सकते हो, तो बात ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात है, अब मैंने जैसे कहा कि पैसे देने हैं या पैसे लेना है, देना है देना है और देना है देना है, मन तो नहीं कर रहा मगर फिर भी देना है देना है देना है। क्या देना, किसी को पैसे देने हैं,
राजू का बहुत बार से फोन आ रहा था। अरे भैया पैसे कब दोगे? अरे दे रहे हैं ना भैया। तो पहले तो बहुत सारा हम लोग झूठ सच कर लेते थे, अरे ब्रांच बंद है, ब्रांच का सर्वर का इशू है। आज नहीं, आज तो भैया तुरंत तुरंत भेज दो। आप सुने हो पेटीएम का नाम? सुने हो पेटीएम, गूगल पे, ये सब का भी डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है? तो पैसा भेजना आज के दिन में बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, बहाना नहीं चलेगा, पैसा भेजना है तो भेजना है। बट हम थोड़ा सा पहले जाएंगे, पीछे जाएंगे, आरटीजीएस के बारे में जानेंगे। आरटीजीएस इसे कहते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब रियल टाइम का मीनिंग अगर आपको जानना है तो अब एक बात बताओ, जब क्रिकेट के मैच होते हैं उधर धोनी ने मारा छक्का और उसी समय आप देख रहे हो लाइव टेलीकास्ट, तो जब लाइव टेलीकास्ट होता है तो उसे कहते हैं रियल टाइम। ओके, अब ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है क्या आप लाइव देख रहे हो? नहीं जी, रिकॉर्ड होने के बाद वो एडिटिंग होगा, प्रोसेसिंग होगा, आपके ऐप में जाएगा, उसके बाद आप देख रहे हो, तो वो लाइव नहीं है। दैट मीन्स इट इज़ नॉट रियल टाइम। रियल टाइम मतलब जिस टाइम पे ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी टाइम पे आप देख रहे हो। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मतलब यहाँ हमने आरटीजीएस करने का इंस्ट्रक्शन दिया और वहाँ से काम शुरू, ठीक है? आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अरे सेटलमेंट क्या, कोई झगड़ा हो गया, झमेला हो गया जो सेटलमेंट करने का? अरे सेटलमेंट मतलब भैया एक खाता से निकलेगा दूसरे में जाएगा, उसे कहते हैं सेटलमेंट। सिंपल, एकदम सिंपल। ओके, सो लेट मी टेक अ सिंपल एग्जाम्पल। ओके, नो एग्जाम्पल, नो सिंपल, सिर्फ ये पढ़ने का। इट इज़ अ फंड ट्रांसफर सिस्टम अंडर विच ट्रांसफर ऑफ फंड्स टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। एक बैंक से दूसरे बैंक में जाएगा पैसा मेरा जाएगा। अरे अरे नहीं, जाना है, अरे जाना है, जाना है, जाना है। कोई उपाय नहीं भैया, अब इतना क्यों तकलीफ पा रहे हो यार, पैसा देना तो पड़ेगा ना यार, ठीक है? देना है तो ठीक है दे रहे। सो एक बैंक से अनदर बैंक में जा रहा ऑन रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस। ग्रॉस बेसिस सेटलमेंट ऑन रियल टाइम मीन्स देर इज नो वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड नहीं रहे, कहने का मतलब वेटिंग पीरियड नहीं, मतलब धोनी ने उधर छक्का मारा आपको संग संग दिखाया गया, वेटिंग नहीं। पहले क्या होता था, चेक से पैसा ट्रांसफर करते थे, तो चेक आज काटा मतलब, काटा मतलब पहले लिखा कि इसको देने का, फिर चेक के पन्ने से फाड़ा, फिर बैंक में गया, बैंक में डिपॉजिट किया, क्लियरिंग हाउस में जाने का, एक दो दिन बाद उसके खाते में आने का, तो टाइम लगता था ना जी, 2 दिन लगता था मिनिमम। अब आप बोलते हैं कि नहीं आरटीजीएस करना है यार, तू इधर आरटीजीएस कर, इधर मेरे बैंक में पैसा आ जाने का, रही आधा घंटे में आ जाएगा, 1 घंटे में आ जाएगा, जो भी आज की आज आ जाएगा। वेटिंग बहुत कम रहे, कौन वेट करना चाहता आजकल? द ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड एज सून एज इट इज प्रोसेस्ड। बस प्रोसेसिंग का जो टाइम लगता है। अब अगर लाइव टेलीकास्ट जब आप देखते हो उसमें भी हो सकता है 2 सेकेंड 5 सेकेंड डिले हो, वो जो प्रोसेसिंग में जो टाइम लगता है ना, कैमरा से उधर उधर से सैटेलाइट से आके आपके टीवी के एंटीना से पकड़ के जो आया, तो हो सकता है 5 सेकेंड 10 सेकेंड या 1 मिनट का डिले हो सकता है, बट फिर भी हम उसे लाइव टेलीकास्ट ही कहेंगे। अब एग्जैक्ट लाइव देखना तो भैया फिर तो स्टेडियम में जाके बैठ जाओ, कि बस धोनी ने बस छक्का मारा उसके बैट से निकला और मैंने देखे अपने आंखों से, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो जो प्रोसेसिंग टाइम लगता है दोस्त, उसे हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजैक्शन इज मेड ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग विथ एनी अदर ट्रांजैक्शन। अब ये आपको मैं समझा दे रहा हूँ, NEFT बोलकर एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, जैसे बैंक का जो मैनेजर है या जो भी ट्रांसफर करना है, बोला ठीक है यार एक साथ क्या करना है, एक एक करके क्या करना है, 10 जन का बंच होने दो, फिर एक साथ बैठ के करूंगा मैं। आरटीजीएस में है कि जैसे ही आरटीजीएस आया, यू डोंट वेट फॉर, देखो होता ना कि भाई ट्यूशन मास्टर हूं मैं, अरे तेरे को अकेला क्या पढ़ाऊंगा रे, मेरा उतना ही एनर्जी लगने का ना, 10 बच्चा इकट्ठा करना फिर मैं पढ़ाता, तो 10 स्टूडेंट्स का वेट करूंगा फिर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। और यहां पर तक एक भी स्टूडेंट आया तो चलो भैया पढ़ाई शुरू करो। तो आरटीजीएस मतलब एक भी स्टूडेंट आया, पढ़ाई स्टार्ट, मास्टर जी आप स्टार्ट हो जाइए। तो उसी प्रकार से बैंक को एक भी आरटीजीएस आने से बैंक वेट नहीं करेगा, इसीलिए बोलते हैं रियल टाइम, तुरंत। धोनी ने छक्का मारा या हमारे दादा ने छक्का मारा, सौरव गांगुली का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो जैसे ही जिसने, और धोनी का भी हूँ, तो जैसे ही छक्का मारा हमें रियल टाइम में देखने मिल गया।
इट इज़ मोर इंस्टेंट सेटलमेंट सिस्टम यूज मेनली फॉर हाई वॉल्यूम पेमेंट। हाई वॉल्यूम देखो भैया, अच्छी बात यह है, अब 10 लाख रुपया का बात है, अब आधा घंटा, 1 घंटा 2 घंटा के अंदर 10 लाख इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाए तो बिजनेस करने में आसानी होती है। हाई वॉल्यूम पेमेंट। द आर टी जी एस सर्विस इज अवेलेबल टू कस्टमर्स फ्रॉम 9 AM to 3 PM ऑन वीक डेज एंड नाइन। ये जो टाइमिंग जो दिया हुआ है दोस्त, ये मेरे ख्याल से हमारे जो ऑथर साहब है उनसे ये बहुत पुराना छाप दिया उन्होंने। आर टी जी एस सर्विस का अगर आप लेटेस्ट देखना चाहते हो, यस डियर स्टूडेंट्स, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं न्यू आर टी जी एस टाइमिंग फ्रॉम 1 दिसंबर, चेक डिटेल्स हियर। ठीक है, ये राउंड द क्लॉक आर टी जी एस फैसिलिटी विल बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम दिसंबर 2020। सो ये लेटेस्ट बात हम कर रहे हैं। फ्रॉम जुलाई 2019 RBI स्टॉप लेविंग चार्जेस ऑन ट्रांजेक्शंस थ्रू NEFT एंड RTGS। सो कोई चार्ज नहीं लग रहा है जुलाई 2019 से। इन ऑर्डर टू बूस्ट द अडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स को बूस्ट करना, देखो मैं लेटेस्ट आपको न्यूज़ दे रहा हूँ जिससे ये बैंकिंग चैप्टर आप एकदम और अच्छे से समझ पाओ। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउड द ट्रांसफर ऑफ फंड्स थ्रू रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS राउंड द क्लॉक। तो जो टाइमिंग हम देख रहे हैं राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे में कोई भी समय पर आप RTGS कर सकते हो। राउंड द क्लॉक यूज फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन्स। लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन्स तो आपको पता ही है, 2 लाख रुपए से ऊपर समझ लो लार्ज वैल्यू अगर आप पूछना चाहते हो। करेंटली RTGS इज अवेलेबल फॉर कस्टमर्स फ्रॉम 7 AM to 6 PM ऑन ऑल वर्किंग डेज ऑफ अ वीक एक्सेप्ट 2nd and 4th Saturdays ऑफ एवरी मंथ। सो 7 AM to 6 PM ये जो हमने अभी जस्ट टेक्स्ट बुक में पढ़ा, हमने क्या पढ़ा देख लेते हैं एक बार दोस्त। हमने पढ़ा, हमारे बुक में लिखा हुआ है 9 AM to 3 PM। तो 9 AM to 3 PM भी बहुत पुराना है, तो 7 AM to 6 PM उसके बाद हुआ और अब हो गया है राउंड द क्लॉक। अब मैं आपको बता रहा हूँ नंबर आपको कैसे मिलेगा। अगर आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना तो ये तीनों टाइमिंग लिखिए, ठीक है। आप लिखिए कि जुलाई 2019 तक, आप पहले ये लिख सकते हैं कि पहले 2-4-5 साल पहले का रेफरेंस देके आप लिखिए 9 AM to 3 PM। उसके बाद आप लिखिए कि बढ़ा दिया गया समय 7 AM to 6 PM। उसके बाद अब RBI ने 1 दिसंबर 2020 से राउंड द क्लॉक कर दिया है। इससे क्या है, आप अपडेटेड स्टूडेंट कहलाओगे। एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाएगा कि यार इस बच्चे को पता है, क्योंकि जो भी आपका कॉमर्स का पेपर चेक कर रहा है अगर वो प्रैक्टिकल दुनिया से वाकिफ है तो उसे पता होगा कि RTGS हम लोग राउंड द क्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको भी पूरा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, ठीक है। सो करेंटली 7 AM to 6 PM ऑन ऑल वर्किंग डेज ऑफ अ वीक एक्सेप्ट 2nd and 4th Saturday ऑफ एवरी मंथ। 2nd and 4th Saturday को थोड़ा सा बैंक में रिलैक्सेशन दिया गया है जी। RBI गवर्नर शांति कांता दास सेड दैट टू सपोर्ट द ऑन गोइंग एफर्ट्स एम्ड एट ग्लोबल इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स फैसिलिटेट इंडियन एफर्ट्स टू डेवलप इंटरनेशनल फाइनेंशियल, ये सब अपने छोड़ सकते हैं। सो इंडिया भी अब 24x7x365 days में आ गया है। अब उसके नीचे आप देखिए NEFT के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है दोस्त। सो NEFT इज यूज फॉर फंड ट्रांसफर्स ऑफ अप टू 2 लाख रुपीज। तो RTGS हाई वैल्यू है, मतलब 2 लाख रुपए से ऊपर का अगर कुछ है तो RTGS है। एंड इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस को कहते हैं IMPS। अगर तुरंत 2-5 हज़ार रुपया किसी को भेजना, तुरंत का तुरंत तो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भेज दो। और ये IMPS आर ऑलरेडी अवेलेबल, कहने का मतलब है कि NEFT तो 24/7 ऑलरेडी अवेलेबल है। RTGS को 1 दिसंबर 2020 से राउंड द क्लॉक कर दिया गया है। तो आगे जो हम टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे कि NEFT का भी कुछ टाइम था, तो इसका मतलब वो भी पुराना नॉलेज है, पुराना खबर है। सो NEFT तो ऑलरेडी 24/7 है, IMPS ऑलरेडी 24/7 है। सो एवरी ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड इन केस ऑफ RTGS।
एवरी ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड इंडिविजुअली. सॉरी, जैसे मैंने कहा ना कि एक भी बच्चा आ जाए तो मास्टर जी आप पढ़ाना स्टार्ट कर दो, तो आरटीजीएस में इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट होता है. ये इंपॉर्टेंट है, ये भूलना मत. अगर डिफरेंस पूछा जाए तो ये डिफरेंस लिखने का. एनईएफटी वॉज मेड अवेलेबल 24/7 लास्ट ईयर, बट दीज फंड ट्रांसफर मोड्स आर जनरली यूज बाई इंडिविजुअल्स. अब देखो, लाख, डेढ़ लाख, दो लाख तक का अगर मामला हो तो इंडिविजुअल्स यूज करते हैं, बट अगर कॉरपोरेट हो, बिजनेस एंटिटी हो, तो वहाँ तो करोड़ों करोड़ों का मामला होता है दोस्त. तो करोड़ों करोड़ों का मामला में देश में बिजनेस व्यापार को पीछे रखना नहीं है भैया. तो बैंकिंग ऐसा करो कि 1 करोड़ रुपया भेजा तो बस तुरंत जाएगा जी. आरटीजीएस है तो इज्जत दो. 1 करोड़ का आरटीजीएस है यार, क्या कर रहे हो? इंडिविजुअली क्यों डील कर रहे हैं? एनईएफटी क्या होता है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ठीक है. बट एक आरटीजीएस 5 करोड़ का, 50 करोड़ का हो सकता है. हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन. तो यहाँ अपने को समय के बारे में कुछ पता चला, और क्या पता चलेगा, ठीक है. तो ये समय भूल है, या आप अपने स्कूल के टीचर से भी कॉन्फ्रंट करके पूछ सकते हो कि भाई सर क्या, मैडम क्या करना है. और मैं तो ये बोलूँगा कि आप ये भी लिख कर आइए जो बुक में लिखा हुआ है. इसको आप ओल्ड डेज या और अभी करंट आप बोलकर ये दो भाग में डिवाइड करके लिखते हो, तो अगर किसी टीचर को सिर्फ ये पुराना डेट्स या पुराना टाइमिंग दिया हुआ है तो उससे भी नंबर मिलेगा, और नया भी आप लिख कर आ रहे हो तो बेटर रहता है. दिस इज़ द फास्टेस्ट पॉसिबल सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू बैंकिंग सिस्टम. अब आरटीजीएस का फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है. इज नॉट अवेलेबल, सारे बैंक के ब्रांचेस में आरटीजीएस अवेलेबल नहीं है. तो कहाँ अवेलेबल है? उन बैंकों में जहाँ सीबीएस एनेबल्ड है. CBS is core banking system, ठीक है. core banking कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब है कि जैसे कनेक्टेड है, हर ब्रांच एक दूसरे से कनेक्टेड है, बात खत्म. RTGS को इंडिविजुअली प्रोसेस किया जाता है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, और कंटिन्यूस रहता है बैंकिंग आवर्स तक, rather than in batches. तो आज के दिन में तो RTGS अगर आप डिजिटली ऑनलाइन से कर रहे हो तो 24/7 है, आपको बैंक जाने की भी दरकार नहीं है, ठीक है. RTGS में मिनिमम अमाउंट जो है वो 2 लाख है. 2 लाख के नीचे है तो उसको कहेंगे NEFT. देर इज नो अपर सीलिंग फॉर RTGS ट्रांजेक्शन. अभी जब मैं कह रहा था 20 करोड़, 50 करोड़, कोई लिमिट नहीं है भाई. आपके बैंक में होना चाहिए 50 करोड़. मैं देना चाहता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को 50 करोड़ का हीरे का गिफ्ट. मैंने बोला डार्लिंग 50 करोड़ ट्रांसफर कर रहा हूँ, जहाँ से खरीदना खरीद लेना, 50 करोड़ के नीचे क्या दूंगा मैं, बताओ. आई एम अ बिग मैन. देखो, ऐसा तुम भी होगे एक दिन, ऐसा सोचना स्टार्ट कर दो. अच्छा, वुमेन या गर्ल्स नाराज़ हो जा रही है. अरे तुम लोग मत नाराज़ हो भाई, तुम लोग तो 100 करोड़ का दोगी खुद को. नहीं नहीं सर, हम लोग भी देंगे. अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई. जिसको जो देना है, जो लेना है, आपस में लेन देन करो, बैंक अकाउंट खोलो, तब तो लेन देन स्टार्ट होगा, ठीक है. ओके, लेट्स कंटिन्यू. द रिसीविंग और बेनिफिशियरी बैंक मस्ट क्रेडिट द कस्टमर्स अकाउंट विद इन 30 मिनट्स ऑफ रिसीविंग द फंड्स ट्रांसफर मैसेज. ये क्या है? बैंकों के थ्रू हो रहा है. आज के दिन में आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू खुद ब खुद कर सकते हो, बट खुद ब खुद भी करोगे तो भी आपके पास इंटरफेस है, आपने बटन दबाया ट्रांसफर करने का, अपना पासवर्ड डाला, सब कुछ डाला, बट घूम घूम के जो ट्रांसफर होगा तो बैंक के पास जाएगा. जो भी है, मतलब तुरंत होना चाहिए. तो 30 मिनट के अंदर अगर बैंक मैनेजर के पास कुछ मैसेज आया तो 30 मिनट के अंदर भैया फटाफट ट्रांसफ़र करो. और ये जो ट्रांसफ़र बोलते ना, सलमान भाई ने कहा, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद तो मैं अपनी भी नहीं सुनता हूँ. तो उसी प्रकार से एक बार जो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया तो उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है कि वो रिवोक हो जाए, मतलब वापस आ जाए. मेरे खाते से निकला, तेरे खाते में घुसा, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं जी. बैंक बोलेगा जी मैं क्या करूँ, पैसा आपका था, आपने क्यों दिया, कैसे दिया, किस टर्म्स एंड कंडीशन में दे, हमें आगे डिस्टर्ब मत करो जी, ठीक है. धोखा से हुआ, कैसे हुआ, डोंट टेल अस, ठीक है. आगे वैसे हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉडुलेंट अगर कुछ है तो, अगर किसी और ने कुछ कर दिया तो उसका भी क्या क्या प्रोसेस है देखेंगे. बट प्राइम फेसी ऑन गुड फेथ, एक बार जो हो गया वो हो गया. अब हम पढ़ेंगे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, जिसे हम कहते हैं NEFT, यानी एफ टी, ठीक है जी.
इसमें इंडिविजुअल फर्म या कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करती है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, या इंडिविजुअल फर्म या कंपनी किसी को भी, ठीक है। ये जो फंड ट्रांसफ़र होता है टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, बट अभी हमने पढ़ा है कि सर 24/7 हो गया है, ऑल ट्रांसफर आर हेल्ड टिल दैट टाइम, इन अदर वर्ड्स NEFT ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड इन बैचेस, बैच में पढ़ाएंगे जी, 10 बच्चा होगा तो ही ट्यूशन पढ़ाएंगे। ड्यूरिंग द वीक डेज NEFT ट्रांजेक्शन टेक प्लेस 7 times a day। थोड़ा सा इस बुक में कन्फ्यूजन है, यहाँ 7 times लिख रहा है, डिफरेंस में कुछ और लिख रहा है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस किताब में, ठीक है। यहाँ लिख रहा है 8 AM to 7 PM ऑन सैटरडेज NEFT ट्रांजेक्शन टेक प्लेस 6 times a day बिटवीन 8 AM and 1 PM। एनी NEFT ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड आफ्टर अ डेजिग्नेटेड सेटलमेंट टाइम हैज़ टू वेट टिल द नेक्स्ट डेजिग्नेटेड सेटलमेंट टाइम। NEFT का अभी जो मेरे पास जो ताज़ा ताज़ा गरम गरम खबर है कि हर 30 मिनट में एक बैच बनता है। तो कहने का मतलब है कि 24 घंटे में 48 बैच है रे भाई, 30-30 मिनट में NEFT का डील होता है जी, समझे क्या? नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को NEFT करते हो तो 30 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 30 मिनट, समझो जी। फर्स्ट बैच स्टार्ट होता है 0.30 टाइम से, और आपने अपने बैंक में ऑनलाइन जाके फॉर्म वॉर्म भरा और उस समय था 0.11, तो ये बैच का टाइमिंग है 0.30। इस बैच में अगर वो घुस गया तो निकल जाएगा, नहीं अगर बाई चांस इस बैच में मिस हो गया तो 0.00 नहीं फिर 1 बजे वाला 0100। तो 30-30 मिनट का गेम है दोस्त, ये लेटेस्ट करंट इन्फॉर्मेशन मैंने दिया आपको, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा गूगल में। सो फीचर्स ऑफ NEFT, मेन फीचर क्या है? बैंक ब्रांच मस्ट बी NEFT एनेबल्ड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द NEFT फंड ट्रांसफर नेटवर्क। तो पहले तो ब्रांच के पास NEFT एनेबल्ड होना चाहिए, बट आज के दिन में जैसे मेरे पास बैंक अकाउंट है तो उसमें जब मैं पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ तो उसमें लिख देता है कि पैसे कैसे ट्रांसफ़र करना है, NEFT से करना है, IMPS से करना है, RTGS से करना है, ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये कि अब ज़माना और आगे बढ़ गया है, ये हम थोड़ा सा पहले का बात कर रहे हैं। एन इंडिविजुअल फर्म और कंपनी कैन मेक यूज ऑफ NEFT विदाउट हैविंग अ बैंक अकाउंट बाई डिपॉजिटिंग कैश एट NEFT एनेबल्ड ब्रांच। अब भैया मेरा इस ब्रांच में अकाउंट तो है नहीं, अब मैं मुंबई में आया हूँ, मेरा अकाउंट तो है नहीं, मैं क्या करूँ? तो इस ब्रांच में कैश डिपॉजिट करके ब्रांच मैनेजर को बोला भैया प्लीज़ कैश लेकर ट्रांसफ़र कर दीजिए, भैया मेरी माँ बहुत सीरियस है, प्लीज़ पैसे दे दीजिए, पहुँचा दीजिए। तो बैंक बोला अरे घबराइए मत, हम लोग हैं आपके सेवा में, ठीक है, तो भिजवा दिया जाएगा। मगर उसमें भी लिमिट है जी, लिमिट कितना का है? 49,999 रुपीज़, मतलब 50,000 रुपया के नीचे। अब जिसके पास हम भेज रहे हैं, जैसे मैं कैश भेज रहा हूँ, बट जहाँ भेज रहा हूँ वहाँ पर उसका बैंक में खाता होना चाहिए, ठीक है, ये सब पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। मैक्सिमम अमाउंट दिया हुआ है 10 लाख रुपए अंडर रिटेल इंटरनेट बैंकिंग। सो NEFT में मैक्सिमम अमाउंट आपको दिया हुआ है 10 लाख रुपए। और ये जो चार्ज वाला जो मामला है ये भी आपको मैंने पढ़ा दिया कि अभी RBI ने चार्जेस हटा दिया है, तो ये सब लेटेस्ट खबर आपको दे दिया हूँ, तो ये आपको कैसे करना है देखिएगा। ये जो डिफरेंस है NEFT एंड RTGS का, ये मेरे ख्याल से पढ़ने की कोई दरकार नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं सीधा IMPS में, IMPS, ठीक है। सो IMPS जो है इमीडिएट, M स्टैंड्स फॉर मोबाइल, वाह आपके मोबाइल में दम है। सो इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, इट वॉज स्टार्टेड इन 2010, अरे 10 साल हो गए, 10 साल। यू कैन यूज इट टू मेक पेमेंट थ्रू योर मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर लिंक टू योर बैंक अकाउंट। In order to use IMPS, you have to register for mobile banking. Once registered, you can send money in real time. Unlike NEFT and RTGS, this service is available 24/7. But unlike nahi hai bhai, unlike nahi hai. Aaj ke din mein 24/7 NEFT and RTGS bhi available hai. Throughout the year, including bank holidays. So, mere khayal se, mere dost, aaj ke liye hum itna hi karenge. Jyada padhai karna achhi baat nahi hai.
ठीक है, नेक्स्ट डे हम मोबाइल वॉलेट ई वॉलेट ये सब करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय। Thank you.
हैं।